सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, कैसे और कैसा चला पकड़ रैंक पुश, कमेंट में जरूर बताना। रैंक पुशिंग का गाइस आज का डे वन था, एंड गाइस प्लैटिनम टू कॉन्कर के लिए मैंने स्टार्ट कर दिया रैंक पुश करना। सुबह सुबह लाइव स्ट्रीम करके मैंने स्टार्ट किया एंड प्लस भी निकाला। कितना प्लस निकाला आपको इसी वीडियो में आगे पता चल जाएगा। साथ ही साथ गाइस मैं टीयर भी बताऊंगा आगे, और गाइस मैं कैसे स्ट्रेटेजी यूज करने वाला हूं, एंड गाइस आपको डुओ स्क्वाड सोलो जिसमें भी पुश कर रहे हो कैसे आपको यार आपको रैंक पुश करना है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे स्पेंड करना है टाइम 6 आवर्स का, एंड कैसे रैंक पुश कर सकते हो जल्दी से जल्दी। तो यार ये 1 वीक के अंदर कॉन्कर लगाने का टारगेट है, तो इस वाली वीडियो को पूरी देखना एंड थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस यार नॉलेज जो भी है गेन करो। एंड गाइस जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है देख रहे हो गाइस स्क्रीन पे, 16 टाइम को मैं कॉन्कर प्लेयर हूं, तो यार जो भी एक्सपीरियंस है मैं सब शेयर करने वाला इस वाली वीडियो में, एंड गेम प्ले गाइस बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाला है। तो यार सबसे पहले गाइस बात कर लूं, मैं इस सीजन डुओ में रैंक पुश करने वाला हूं, क्यों वो आगे बताता हूं। एंड सबसे पहले गाइस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही मैं मोटिवेशन वीडियो एंड टिप्स एंड ट्रिक्स पे लाता रहता हूं। तो चैनल से जुड़ जाओ ताकि यार आपको ना फ्यूचर में जो भी आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आप मिस ना करो। सो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गो। सो गाइस सबसे पहले मैं बात कर लूँ, मैं डुओ में शिफ्ट होने वाला हूँ। हाँ इस सीजन में सोलो में कॉन्कर नहीं पुश करूंगा, मैं डुओ में रैंक पुश करने वाला हूँ। एंड गाइस मैं लीडर बोर्ड के लिए खेलने वाला हूँ, क्योंकि यार देखो सोलो में क्या आता है कि 100 से 200 की वॉचिंग आई एंड उस टाइम पे गाइस एरोप्लेन पे नाम आता है, तो मेरा बहुत स्ट्रीम स्नैप होता है, गेम खराब काफी होता है। तो इस वजह से मैंने प्लान किया है कि डुओ में थोड़ा बैकअप रहेगा एक टीममेट का। एंड गाइस सच बताओ तो डुओ में बहुत ज्यादा इंटेंस फाइट होता है, आगे जाकर लॉबी बहुत हार्ड आ जाएगी जैसे जैसे टीयर आपका हाई जाएगा डुओ में। एंड आपको पता है डुओ का किस लेवल का हैकर गेम प्ले होता है, क्योंकि हैकर्स भी डुओ में थोड़ा ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि मैंने सीजन 30 में फर्स्ट टाइम रैंक पुश किया था एंड उस टाइम पे गाइस मैंने लाइक 800 रैंक जब किया था ना, लाइक मैं सोलो प्लेयर था, लाइक ऐसा था कि मैं 1v2 कर रहा था। सच बताओ तो मेरा लो एंड डिवाइस था उस टाइम पे, एंड आपको बताया सीजन 13-14 के टाइम पे हैकर्स कितने आते थे, एंड गाइस उस टाइम पे मैंने 800 रैंक आसपास कर दिया था। एंड उसके बाद से मैंने गिव अप कर दिया था, मेरा फर्स्ट टाइम रैंक पुशिंग का एक्सपीरियंस था उस टाइम पे डुओ का। एंड उसके बाद से गाइस क्योंकि मेरे पास प्रॉपर टीममेट नहीं था एंड मैं यूट्यूबर भी नहीं था, लिटरली बता रहा हूँ उस टाइम पे मैं यूट्यूबर नहीं था, मेरे 200 सब्सक्राइबर समथिंग रहे होंगे उस टाइम पे सीजन 13 की बात। फिर मैंने सोलो में स्टार्ट किया उसके नेक्स्ट सीजन से, एंड गाइस मैं सोलो में बैक टू बैक कॉन्कर करते आया हूं। एंड गाइस इतनी आईडी लगा दी है, लाइक ये मेरी आईडी का 16 टाइम कॉन्कर आपको जो दिख रहा है ना, इसके अलावा गाइस मैंने पेट पुश भी किया है, तो पेट पुश आईडी ऐसे देखे तो 80 से 100 आईडी मैंने लगा दी अभी तक कॉन्कर, लाइक सीजन 14 से बैक टू बैक। कोई आईडी यार बड़ी आईडी रहती थी, कोई आईडी पे यार कुछ 100 200 या 400 पॉइंट्स के लिए, या कोई आईडी पे 2000 पॉइंट के लिए, ऐसे आईडी मिलाकर सारी आईडी मिलाकर 80 से 100 आईडी हो गई होंगी। अब यार बात कर ले अपनी एक्सपीरियंस की यार, तो क्या है आपको इस वाली वीडियो में कैसे क्या आपको करना है रैंक पुश वो सब बताता हूँ। तो यार सबसे पहले बात कर ले अगर सोलो प्लेयर हो तो आपको पता है मैंने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दे रखी है, सोलो में गाइस बहुत ज़्यादा पेशेंस लगता है आपको पता ही है। तो सोलो के बाद से मैं डुओ में जाऊँगा फिर स्क्वाड को भी बताऊँगा क्या करना है कैसे करना है। तो देखो सोलो में ऐसा शॉट है कि आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, एंड आपका जो 6 आवर्स का टाइम लिमिट है ये आपको डुओ स्क्वाड सोलो सभी में गाइस ऑलमोस्ट सेम आपको स्पेंड करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले मैं टाइमिंग स्पेंड कैसे करते हैं वो बता देता हूँ शॉर्टली गाइस, आपको बता दो बेसिक में तो आपको अभी तक तो एक्सपीरियंस आ चुका होगा, बट नहीं भी है तो थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, रिमाइंड हो जाएगा आपको। तो देखो गाइस आपको गैप ले लेकर खेलना है, अगर आप यहाँ पे 1 घंटा खेल लेते हो तो 1 घंटे के बाद में 1.5 घंटे के बाद जितना भी तुम आप लाइक कैसा भी गेम गया हो आपका, अच्छा प्लस निकला हो या बुरा निकला हो, तो वहाँ पर आपको गैप लेना है कंपलसरी। इससे क्या होगा कि आप गैप लेकर खेलोगे तो आपका माइंड शांत होगा, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, रिलैक्स होकर खेलने में गाइस जो प्लस निकालते हैं ना वो बहुत प्यारा नेक्स्ट लेवल का प्लस होता है। और ये चीज़ गाइस एक्सपीरियंस करना, और कभी भी यार आप मेरे कमेंट में आकर जरूर बताना कि यार ये ट्रिक काम करी कि नहीं। सो अगर आप सोलो डुओ स्क्वाड किसी में भी पुश कर रहे हो तो टाइमिंग गाइस आपको मैनेज करना पड़ेगा। देखो आपके पास में सिर्फ 6 घंटे, कभी भी खेलो कोई दिक्कत नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, आपको बस टाइम सही तरीके से स्पेंड करना है ताकि आपको डे का ऑलमोस्ट गाइस 300+ तो निकाल ही दोगे। देखो गाइस मैं टीयर के साथ साथ लाइक टीयर के साथ साथ मैं आपको टारगेट भी दूंगा कितना पॉइंट्स आपको लाइक निकालना पड़ेगा कौन से टीयर पे। अब गाइस बात कर ले अपनी टाइमिंग का हो चुका है, तो अभी बात कर ले अपने सोलो में। आप देखो सोलो में आपको पता है कि यार पेशेंस बहुत ज्यादा लगता है, आपको पेशेंस रखकर खेलना पड़ेगा। अगर आप मारकर खेल रहे हो तो यार लो टीयर पे चल जाएगा, लेकिन आगे जाकर जैसे आपका टीयर हाई होता है आपको प्लस की नीड रहेगी, तो उस टाइम पे गाइस आपको किल्स भी मैटर करता है, सर्वाइवल मैटर करता है, ये दोनों चीजें यार आपको लेकर चलना पड़ेगा। सोलो डुओ स्क्वाड किसी में भी गाइस ये चीजें लाइक मैनेज करनी पड़ेगी, किल्स एंड सर्वाइवल, ये तो आपको पता ही होगा। और काफी टाइम ऐसा होता है कि अपन लैंड के इवेंट पे एंड अपन मर गए, एंड उसके बाद से गाइस आपने पास लाइक रिकॉल है तो जाकर अपन फाइट लेंगे, मारेंगे थोड़ा, ऐसा ट्राई करते हैं। एंड गाइस कभी कभी ना वो स्ट्रेटजी खराब हो जाती है, लाइक अपना गेम खराब हो जाता है, तो उस टाइम पे गाइस आपको यही बोलूंगा कि अगर आपका लो टियर है तो चलो ठीक है तब तक आप कर लो, आपको लाइक रिकॉल है आप जाकर फाइट ले लो, बट मैं तो बोलूंगा जैसे आपका गाइस हाई टियर हो जाता है तो वहां पे गाइस आपको रिकॉल बचाकर थोड़ा ट्राई करना है, क्योंकि गाइस जब ज्यादा अलाइव रहते ना एंड उस टाइम पे आप पे लाइक आप फर्स्ट टाइम मर गए एंड रिकॉल है आप पे, एंड गाइस आप कहीं कंपाउंड पे गए लूट कर रहे हो, एंड गाइस अगर आपको किसी कैंपर ने मार दिया, किसी हैकर ने आके मार दिया, फ्लैश हैकर आते हैं आपको पता है, तो यार ये सब चीजों के चक्कर में आपका माइनस हो सकता है, वो सेकंड रिकॉल जाएगा तो थर्ड वाला रिकॉल आप जाकर लाइक सर्वाइव करोगे वहां पे,
एग्जिट कर पाए प्रिजन पे, तो गाइस आपको एक थर्ड वाला रिकॉल मिल जाएगा। लेकिन गाइस वहाँ पे थोड़ा दिक्कत दे सकता है, वहाँ पे आपके गेम खराब हो भी सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी बंदे बैठे हुए रहते हैं फील्डिंग लगा के। तो मैं तो बोलूंगा गाइस हाई टियर जैसे आपका होता है क्राउन टियर के आसपास जाते हो जैसे, वैसे गाइस आपको है ना ये रिकॉल को बचाकर आपको लेकर चलना है। आप रिकॉल एक बार लाइक इवेंट में मर जाते हो तो उसके बाद से मैं तो बोलूंगा सेफ ही थोड़ा खेलो, लूट लूट करो। एंड अगर आपको किल निकालना है तो जब 30 बंदे 35 बंदे अलाव रहेंगे उस टाइम पे आप किल्स निकाल कर खेल सकते हो, थोड़े बहुत किल्स निकाल सकते हो। थोड़ा बहुत गाइस ट्राई करना किल्स निकालने की। एंड यार देखो ज्यादा से ज्यादा किल रहेगा तो यार आपको भी ज्यादा एडवांटेज रहेगा, प्लस ज्यादा मिलेगा। सर्वाइवल मैटर करता है तो गाइस सर्वाइवल को भी लेकर चलो। अगर आपका लो एंड डिवाइस है तो मैं ये बोलूंगा थोड़ा बहुत यार आप होल्ड करके ही खेलो एंड पेशेंस से खेलो, मस्त एकदम प्लस निकालो यार, क्या दिक्कत है, जल्दी जल्दी कॉन्कर लगाना है ना। चार देखो सोलो में ये कि आप अकेले रहोगे वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप आगे जाते हो ज़्यादा और गलती से मर जाते हो तो आप सीधा लॉबी में जाओगे 3 रिकॉल होने के बाद। एंड डुओ में गाइस आपको बैकअप मिलेगा टीममेट का, एंड डुओ बेस्ट रहता है गाइस मेरे हिसाब से। स्क्वाड में गाइस बहुत ज़्यादा खिचखिच हो जाता है, एंड टीममेट्स वैसे चाहिए, अगर वैसे टीममेट्स हैं तो आप स्क्वाड में जा सकते हो। एंड अदरवाइज गाइस डुओ बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है, लाइक कोऑर्डिनेशन भी थोड़ा इजीली हो जाता है, हैंडल हो जाता है, एंड चिल करके आप रैंक पुश कर सकते हो। सोलो में थोड़ा आपको बोर हो सकता है, बट अगर आपके पास एक्स्ट्रा फोन है तो थोड़ा बहुत टाइम पास कर सकते हो। अगर लाइक आपका हाई टेस्ट चल रहा है, थोड़ा बहुत लूट किया, थोड़ा बहुत होल्ड कर लो लूट करने के बाद में, और जब होल्ड करते हो तो थोड़ा सा आप बोर हो जाओगे उस टाइम पे। ऑफ कोर्स सीधी बात है बोर हो जाओगे, सोलो में यही होता है कि आप जब बोर हो गए तो वहाँ पे आप सेकंड फोन यूज़ कर सकते हो, टाइम पास कर सकते हो। लेकिन गाइस गेम पे फोकस करना पड़ जाता है तो गेम को भी आगे आप वैसे लाइक सर्वाइव करो, फिर आगे जाके जब सर्कल छोटा होता है वहाँ पे बहुत मैटर करता है, तो वो चीज़ें हो गई। अब गाइस डुओ में मैं जिस तरीके से रैंक पुश कर रहा हूँ, मेरा ऐसा स्ट्रैटेजी है कि मैं थोड़ा बहुत लाइक अभी लो टियर है तो मैं थोड़ा मार कर खेल रहा हूँ, एंड आगे के जाकर जैसे जैसे लाइक अपना हाई टियर होगा वैसे वैसे मैं तो ट्राई करूंगा थोड़ा सा मैं होल्ड करके एंड क्यूज भी निकाल कर खेलूँ ऐसा भी। और अगर मैं मेरी बात करूँ होल्ड कहाँ पे करूंगा, तो देखो अगर मैं इवेंट में मर जाता हूँ एंड गाइस मेरे पास रिकॉल है तो मेरा हाई टियर चल रहा है तो उस टाइम पे मैं होल्ड करूंगा, आराम से मैं खेलूंगा लाइक लूट करके, फिर किल्स भी निकालूंगा, ऐसा नहीं कि किल्स नहीं निकालूंगा, थोड़ा रुकूंगा लाइक थोड़े से बंदे जो रिमाइनिंग है वो थोड़ा कम हो जाएगा लाइक 40 या 35 या 30 इसके आसपास, तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत मैं किल्स निकाल कर खेलूंगा। और ऐसा नहीं करना है गाइस कि अंधा एकदम घुस जाओ भाई, अंधा नहीं घुसना है बिल्कुल भी, जीरो किल हो या फिर कुछ भी हो। देखो अगर आप सर्वाइव कर जाते हो ना तो आगे आप जैसे जैसे सर्वाइव करोगे ना वैसे वैसे आगे जाकर भी आप किल्स उठा सकते हो, क्योंकि चिकन डिनर के अगर आप खेलते हो जीरो किल आपके स्टार्टिंग में एंड आपके पास अच्छे खासे किल्स नहीं, आप चाहते हो किल्स और हो, तो सर्वाइव करते करते आपको आगे लाइक मौका मिलेगा किल्स निकालने का, एंड उस मौके को गाइस हाथ से जाने नहीं देना है, एंड किल्स निकालो आराम से, आपका लाइक किल्स भी हो जाएगा, एडी मेंटेन भी हो जाएगी एंड आपका सर्वाइवल भी हो जाएगा। जैसे जैसे आगे हाई टियर होगा वैसे वैसे मैं टिप्स देता रहूँगा। फिलहाल अभी का इस बात के लिए साले गेम पे लेके गए तो अभी तक तो मेरे अच्छे खासे किल्स हो गए थे एंड सर्वाइव भी मैं कर ही रहा था। अब गाइस यहाँ पे जो टीम थी ना बैक साइड में, वो टीम गाइस थोड़ा सा देखो उनके साथ में कैसा सीन होने वाला था। मैं यहाँ पे रेडी हो चुका था, थोड़ा बहुत डैमेज देने की कोशिश किया एंड गाइस अब यहाँ पे ना जो टीम थी ना ऊपर हिल पे, वहाँ पे एक और गाड़ी का पुश जाने वाला था। एंड गाइस मुझे आइडिया नहीं था कि लिटरली ऐसा हो जाएगा और हम थर्ड पार्टी करने का एक मौका ढूंढ रहे थे। अब गाइस यहाँ पे ये जो टीम गई थी ना, यहाँ पे मैं बिल्कुल भी स्प्रे नहीं लेता हूँ एंड थोड़ा वेट करता हूँ गाइस, एंड यहाँ पे ट्राई करता हूँ पहले तो किल्स निकालने की, अगर मौका मिलता तो जोर से किल्स उठाएंगे। अब बंदा कवर ले लेता है। अब गाइस आप भी ना कुछ ऐसे टाइप का किल्स उठा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे थर्ड पार्टी के लिए हम लोग कर देते पुश, मैं बंदा लाइक टीममेट को बोलता हूँ व्हीकल उठा निकलते हैं एंड यहाँ पे हम लोग चल देते पुश करने। अब क्या होगा यहाँ पे कि एक टीम लाइक फिनिश हो गई थी एंड यहाँ पे जो सेकंड टीम था ना उसका एक बंदा डैमेज होगा एंड दूसरा बंदा भी यार हल्का फुल्का डैमेज होगा, बट गाइस यहाँ पे जैसे आता हूँ लिटरली मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे एक बंदा नॉक पड़ा हुआ है एंड एक बंदा है एंड मेरी एचपी देखो गाइस, यहाँ पे जंप एंड शॉट लेता हूँ एंड यहाँ पे इस वाले बंदे को मार देता हूँ। तो गाइस ऐसा कुछ किल्स निकाल सकते हो आप भी, ट्राई करना गाइस बहुत ज़्यादा बेस्ट है ये वाली स्ट्रैटेजी। अभी एक किल उठाने के बाद में गाइस यहाँ पे हम लोग फॉल बैक लेते एंड उसी कंपाउंड में जाकर होल्ड कर लेते एंड जोन भी उधर ही था गाइस, तो हम लोग भी ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, ओपन में घूमना नहीं था एंड चिकन के लिए खेलना था। तो अब यहाँ से हम लोग ज़्यादा से फटाफट कवर लेते हैं एंड अब आगे जो होता है वो देखो पहले। अभी गाइस बैक साइड से एक टीम आती है एंड जैसे ही ये टीम आती है तो यहाँ पे हम लोग रेडी हो जाते हैं एंड सच बताओ तो यहाँ पे डर था कि ग्रेनेड से हम लोग नॉक ना हो जाए एंड वो बंदे भी ना बहुत शाने थे। अभी के टाइम पे यार सबसे पहले तो भाई कोई भी हो ग्रेनेड पहले फेंकते कंपाउंड में एंड उसके बाद से रश करता है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लाइक ग्रेनेड ट्रैक करते हैं एंड सामने वाले बंदे भी। अब मैं सोचता हूँ कि आगे साइड में जाता हूँ एंड यहाँ पे जाकर मैं होल्ड करूंगा एंड ऊपर टॉप पे जाता हूँ। अब यहाँ से गाइस इन लोग की जो कोऑर्डिनेशन है ना, इनका टीम वर्क जो है वो खराब करने का प्लान था मेरा। तो यहाँ पे जैसे आता हूँ एंड मेरे टीममेट को थोड़ा मौका मिल जाता है एंड हलचल यहाँ पे नीचे स्टार्ट हो जाती है और बंदा ग्रेनेड करता है जिसे फूट जाते हैं। अब यहाँ पे मैं जंप करता हूँ नीचे एंड मेरा टीममेट भी पुश कर देता है एंड थोड़ा सा पीछे रहकर चलता है। यहाँ पे इस वाले बंदे को मारते जैसे गाइस वैसे एक हैकर बैन हो जाता है, लिटरली यहाँ पे बैन होता है। मैं मूड करने का सोचता हूँ लेकिन ये देखो ऐसे गलत तरीके से मेरे को पड़ती है एंड मैं यहाँ पे नॉक हो जाता हूँ। मेरे टीममेट को मैं बोलता हूँ जल्दी आकर रुका दे, वो भी हेल्थ करा रहता है क्योंकि वो भी लो था। एंड गाइस अब देखो इसकी हेल्थ देखो, इसको भी डैमेज दिया एंड इसका वेस्ट ऑलमोस्ट खा चुका था सामने वाला बंदा।
अब गाइस देखो गेम प्ले देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो गाइस देखो अभी सर्कल छोटा हो चुका है एंड हम लोगों ने डिसाइड किया कि आगे वाले कंपाउंड में जाकर होल्ड करते हैं। एंड मैं मेरे टीममेट को बोलता हूं चल भाई व्हीकल उठा एंड आगे जाकर होल्ड करते हैं, क्योंकि आगे जाकर भाई दिक्कत दे सकते हैं। ये बंदा जो था ना, ये बंदा थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था। तेरा सबसे पहले तो हम लोग ना अलग अलग व्हीकल उठाते, तो दो गाड़ी रहेगी तो ज्यादा बेस्ट रहता है। बट गाइस ये वाली व्हीकल थोड़ी ज्यादा डैमेज थी, बट मैं रिस्क लेता हूँ। एंड यहाँ पे क्या होता है कि एक व्हीकल में गए ना गाइस तो ज्यादा लाइक स्प्रे आता है, बट दो गाड़ी रही तो थोड़ा सा गाइस कंफ्यूजन करने के लाइक थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने में थोड़ा सा हेल्प होता है। एंड अगर एक गाड़ी का लाइक अगर टायर और फट जाता है, फिर कुछ हो जाता है, इशू हो जाता है टीममेट के साथ, तो दूसरी गाड़ी से गाइस आप कवर बना सकते हो, टीममेट को भी बचा सकते हो। ऐसे सिचुएशन में गाइस ऐसी व्हीकल काम आती है, इसलिए लास्ट सर्कल में ट्राई करो, दो व्हीकल से पुश करो एंड कंपाउंड पे स्लैम डालो, जो भी करना है, पर दो गाड़ी लेकर घूमो, अगर मिल जाती है तो ज्यादा बेस्ट रहता है। जब सर्कल छोटा हो तो यार सबसे पहले कवर ढूंढने की कोशिश करो। कवर अगर आपको मिल जाता है, लाइक कंपाउंड मिल जाता है, फिर कोई कवर मिल जाता है, ओपन में जोन है, तो जैसा भी आपको व्हीकल का कवर बनाना है स्टोन स्टोन के आसपास ठोक ठाक के, गेम खेलते खेलते यार आपको समझ में आ जाएगा यार कि आपको क्या करना है कैसे करना है। बस वहाँ पे थोड़ा सा ना हाइपर हो जाते लौंडे, और वही नहीं होना है, थोड़ा सा माइंड को शांत रखकर खेलो, कोई दिक्कत नहीं। एंड गाइस देखो मैं जैसे कि बोला, दो तीन मैच अगर आपके अच्छे जा रहे हैं, खराब जा रहे हैं, बीच में गैप लेकर खेलोगे ना, तो आप है ना आप अच्छे से खेल लाइक सोच समझ कर खेल पाओगे, प्लस निकाल पाओगे, सर्वाइव कर पाओगे, तो ये माइंड आपका जो रहता ना वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा ना, तो आप लाइक डिसीजन भी ले पाओगे क्विकली। तो ये चीज़ें के लिए मैं बोल रहा था थोड़ा गैप लेकर खेलो, एंड ये काम करता है गाइस। अब गाइस मैं यहाँ पे ना ये टॉपिक पे बात करना चाहूंगा, आपको किस में रैंक पुश करना चाहिए। देखो आज का डे वन है, आप अगर जो रैंक पुश कर रहे हो सोलो या फिर डुओ या फिर स्क्वाड में, तो देखो गाइस आपको लग रहा है कि आपकी जो टीम है स्क्वाड या फिर डुओ में आप जा रहे हो किसके साथ में, सही बैठ रहा कोऑर्डिनेशन, या फिर बंदा सही है, या फिर टाइम देगा, आप लोग का लाइक डिसीजन हो चुका है, पहले प्लान बन चुका है, तो आप लोग लगे रहो, छोड़ना नहीं है, रैंक पुश करते रहना पड़ेगा आपको। अगर 10 दिनों में कॉन्कर नहीं होता है तो थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा, बट यार अगर आप छोड़ देते ना, गिव अप कर देते ना, तो आपकी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, टाइम जो दिया है वो सब वेस्ट हो जाएगा, और यार आप डिमोटिवेट हो जाओगे, मूड ऑफ हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें यार एक बार स्टार्ट कर दो तो रैंक पुश करना, तो ये सब चीज़ों की वजह से आपको रैंक पुश करना छोड़ना नहीं है, नॉन स्टॉप रैंक पुश करते रहना है एंड लगे रहना है। तो गाइस मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर आप पे टीममेट्स हैं तो यार आप स्क्वाड में जा सकते हो, अदरवाइज आपका डिवाइस भी मैटर करता है वैसे स्क्वाड में लैग इशू बहुत ज़्यादा होगा। एंड उसके बाद से गाइस आप अगर आपका लो एंड डिवाइस थोड़ा बहुत है तो आप सोलो ही बेस्ट रहेगा आपके लिए। एंड अगर आपको लगता है कि यार सोलो मैंने डुओ में जाना है तो जा सकते हो डुओ में, टीममेट्स आपका ढंग का होना चाहिए, थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन बिठा कर खेलो, एक हफ्ते में यार आपका अच्छा खासा लाइक कोऑर्डिनेशन बैठ जाएगा, तो ये सब मैटर करता है। एंड मैं तो बोलूँगा आप अगर लोड नहीं लेना चाहते हो, आपके पास टीममेट नहीं है, एंड मैं सच बताऊँ तो सोलो आपको बेस्ट रहेगा। सोलो इसलिए बेस्ट रहेगा क्योंकि देखो वहाँ पे क्या होता है, आप जब भी फ्री हो आप बिंदास उठो, जाकर रैंक पुश करो, सोलो में खेले, दो तीन मैच खेले, जब भी आपका कुछ काम है उसको जाके आपने लाइक मैनेज करके आए, टीममेट रहे ना रहे आपको टेंशन ही नहीं रहेगा। तो गाइस अगर आपको टीममेट का दिक्कत है तो यार आप सोलो में जाओ, ये मेरा ओपिनियन रहेगा। एंड मेरे को सोलो में काफ़ी एक्सपीरियंस है तो मुझे पता है सोलो में कितना ज़्यादा सही फील होता है, बट थोड़ा सा बोरिंग फील होगा तो उसके लिए गाइस आपके पास एक्स्ट्रा डिवाइस होगा तो आपका हो जाएगा, चिल करते करते रैंक पुश कर लेना, तो ऐसा कुछ हो सकता है गाइस। तो ये रहेगा आज की इस वाली वीडियो में, थोड़ी बहुत जो भी एक्सपीरियंस मुझे लगा शेयर कर दिया, एंड कुछ मिस हो जाता है गाइस तो वो यार अपन आगे वाली वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। एंड ये वीडियो भी गाइस बहुत ज़्यादा लंबी जा रही है, एंड गाइस गेम प्ले देख देखकर भी बहुत सारा चीज़ें लाइक जो एक्सपीरियंस कर पाते हैं, सीख सकते हैं, तो गेम प्ले भी पूरा देख लिया करो। अब गाइस यहाँ पे देखो गाइस सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ पे 10 किल्स हो चुके हैं, 7 अलाइव थे, तो यहाँ पे गाइस 5 बंदे लास्ट के बचे हुए, एंड सामने साइड भाई जो एक टीम थी वो टीम का लाइक लोकेशन आ चुका था। अभी गेम प्ले की बात कर ले गाइस, तो बैक साइड से एक बंदा आता है डीबीएस लेकर, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग गया डीबीएस वाले ने, यहाँ थोड़ा सा नॉटिगिरी कर दी। इस साइड में एक बंदा था एंड इसका टीममेट राइट साइड से स्प्रे ले रहा था, एंड जब मुझे रियलाइज हुआ कि इनकी कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी है तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे अलर्ट हो गया। अब देखो गाइस सामने वाले बंदे कैसा माइंड यूज कर रहे हैं, यहाँ पे स्मोक की लाइन बना दी है, ठीक है। अब इन लोग को क्लोज लाइक क्लोजिंग करना है, जोन के अंदर आना है, एंड हम लोग पे जोन था, तो यहाँ पे गाइस जोन का एडवांटेज जब हो तो यार वहाँ पे आपको थोड़ा भी रुकना नहीं है, पूरा यार सब ट्राई करो, ग्रेनेड मॉली जो है सब ट्राई करो, अंधा स्प्रे लो, बंदे थोड़ा डिप्रेशन में जाएंगे ना तो यार ऑटोमेटिक वो लोग थोड़ा गलती कर ही देंगे। एंड यहाँ पे गाइस आप देखो ये बंदे क्लोजिंग तो कर देते हैं, लेकिन गाइस एक बंदा व्हीकल से निकल जाता है। एंड अब गाइस इस बंदे के बाद में गाइस एक बंदा और था जो बैक साइड में था, एंड यहाँ पे गाइस जैसे मॉल आता है हम लोग कवर लेते थोड़ा सा, यहाँ पे हेल्थ लगाता हूँ, एंड एक बंदा आ चुका था छत के ऊपर, टॉप पे आ चुका था। अब एक बंदा नॉक था, वो बंदा अभी तक रिवाइव नहीं हुआ था, यहाँ से फुल ट्राई करते इस वाले बंदे को मारने की कोशिश करते। एंड ये बंदा थोड़ा सा ज्यादा कवर में था, फिलहाल ये वाला ग्रेनेड ट्राई करता हूँ, एंड ये लास्ट ग्रेनेड था, इसके वजह से हमारे पास ग्रेनेड नहीं था। एक बार के लिए यार ऐसा माइंड में आ रहा था कि जाके पुश कर दूं, लेकिन ऊपर वाला बंदा जो था ना वो बंदा थर्ड पार्टी स्प्रे लेगा, तो यहाँ पे अपनी टीम पूरी लाइक अपना टीममेट्स और मैं यहाँ पे सर्वाइव कर रहा हूँ, तो चिकन डिनर गाइस अपने को गलती करके मिस नहीं करना है।
ये बंदा थोड़ा सा डैमेज हुआ, लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी भी पुश नहीं कर रहे थे क्योंकि ऊपर जो छत पे बंदा था ना, वो बंदा एकदम रेडी था स्प्रे लेने के लिए, और वो बंदे को यार थोड़ा सा अपन लाइक ऐसे हल्के में नहीं ले सकते, तो थोड़ा सा वेट करता हूँ। ऊपर वाला बंदा थोड़ा सा नॉटिग्री कर रहा था गाइस, तो मैं इस साइड में आता हूँ एंड यहाँ पे मुझे लगता है कि बंदा शायद ओपन में आएगा, और इस वाले बंदे को भी भर देता हूँ। अब लास्ट एक बंदा बचा था, वो भी नीचे था, तो मैं मेरे टीममेट को बोलता हूँ थोड़ा इस वाले बंदे को पुश करते हैं, लेकिन ऊपर से लैंड करेंगे तो बंदे पे लाइक एडवांटेज है, स्प्रे लेगा। एंड अभी के टाइम पे यार बंदे अच्छे खेलने लग गए, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा अपन, मैं सोचता हूँ कि यार थोड़ा ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं एंड वहां से पुश करेंगे, तो टीममेट्स को बोलता हूँ ऐसे कुछ करते हैं। एंड गाइस आप देखो इस साइड से मैं जाता हूँ, लेकिन वो बंदा क्या करता है लेफ्ट साइड से करता है, एंड आप चिकन गाइस यहाँ पे हमारा हो जाता है। एंड इसी के साथ साथ गाइस कितना प्लस मिला वो देखते हैं। एंड गाइस मैंने डुओ में प्लैटिनम 2 से स्टार्ट किया था, तो आज मैंने ऑलमोस्ट 100 प्लस निकाल लिया है कुछ 2.5 घंटों में। आज मेरे थोड़े से गेम भी लाइक 2-3 गेम खराब गए, इस वजह से थोड़ा सा कम प्लस हुआ, बट कोई बात नहीं गाइस, अभी भी मेरे पास टाइम लिमिट काफी है, तो देखते हैं आज शाम की स्ट्रीम पे कितना प्लस निकाल पाता हूं। सो आई होप सो आप लोग को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला होगा इस वाली वीडियो से, एंड गेम प्ले कैसा लगा कमेंट में बताना, एंड वीडियो पे 1 लाख तो बनता है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो में लाता रहूंगा। एक आईडी गाइस मैंने पेड पुश पिक कर ली है गोल्ड टू कॉन्करर, तो उसकी भी गाइस मुझे सोलो में रैंक पुश करनी है, तो उस वाले आईडी का भी मैं अपडेट दूंगा आगे जाकर। सो दो आईडी में पुश कर रहा हूँ एक साथ, तो गाइस आप लोगों ने पेड पुश के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं शाम की स्ट्रीम पे, तब तक ले गाइस मेरी तरफ से बाय।